प्रेम और परमात्मा। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब फिर श्री संत ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर इसने आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्रा भी इसने नहीं आता, पूरी दुनिया स्वार्थ परायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटकता। सबसे कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।